चलो दोस्तों, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में हमने सिंगल लाइन फॉर्मेट कवर कर लिया, उसके पहले हमने डिक्शनरी फॉर्मेट भी कवर कर लिया। अब हम कवर करने चलते हैं मल्टी लाइन फॉर्मेट को, ठीक है? तो हम इसको हटाते नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं, जैसे डिफरेंशिएट पता आपको लगे, सेम टास्क को मल्टी लाइन फॉर्मेट में कैसे किया जाता है। तो मैं फाइल बनाया यहां पर, और इस बार मैंने लिखा मल्टी लाइन डॉट यम। सेम चीज आएगी यहां पर भी, राइट? होस्ट मैंने यहां पर ऑल डिफाइन किया, और टास्क मैंने डिफाइन किया नीचे आके, जैसे वही टास्क लेके चलते हैं जो हमने किया था कॉपी, ठीक है? तो अब यहां पर क्या करेंगे आप, और उसके बाद आप यहां पर डिफाइन करिए क्या कॉपी करना है। हमने बोला SRC, इक्वल टू ATC शैडो फाइल, राइट? ये हो गया आपका, ठीक है? अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट, जैसे ये था, इसको आपने इस लाइन पे लिखा, इसको नीचे लिखा, ये यहां पर देखिए क्या होगा, डेस्टिनेशन टैम, ठीक है? अब नीचे और क्या करना है, आपने यहां पे बोला ऑनरशिप, हमने यहां पे दे दिया क्यूबरनेटीज, ग्रुप ऑनरशिप हमने यहां पे दे दिया क्यूबरनेटीज, मोड हमने यहां पे दे दिया 777, राइट? तो ये हमारा एक टास्क हो गया। अब देखिए अगला टास्क, ये हमने डिफाइन किया, राइट? अगला टास्क हमारा यहां पर क्या है, फाइल मॉड्यूल। थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये लीजिए, ठीक है? थोड़ा सा अब हमने बोला पाथ क्या बनाना है, हमने बोला टैम के अंदर एक एज्योर नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करना है, ठीक है? स्टेट हमने क्या बताया, स्टेट होगा डायरेक्टरी, ठीक है? ये दो दो टास्क हो गया। ऐसे तीसरे टास्क हमने डिफाइन किया यम मॉड्यूल, सेम चीज हम फॉलो कर रहे हैं यहां पर, और हमने बोला करना क्या है, इस बार कौन सा पैकेज आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो इस बार हम पैकेज का नाम जो यहां पर ले लेते हैं, वो ले लेते हैं जस्ट काइंड ऑफ NFS हाइफन यूटिल्स, ठीक है? ये पैकेज हमने लिया इस बार, और नेम हमने यहां पे दे दिया, सॉरी नेम तो ऑलरेडी था, स्टेट हम यहाँ पे दे देते हैं लेटेस्ट, ठीक है? ये हो गया हमारा दो। उसके बाद अगला मॉड्यूल, अगला टास्क हमने बोला सर्विस, सेम चीज हम फॉलो कर रहे हैं यहां पर, और नेम क्या है, NFS हाइफन सर्वर, और स्टेट क्या रखना है इसका, स्टेट क्या रखना है, स्टार्टेड। क्लियर दोस्तों? तो ये देखिए, बस आपको यहां पर जो ध्यान रखना होता है, टास्क एक ही लाइन पे आना चाहिए, देख सकते हैं। तो दोस्तों आप अब यहां पे बोल रहे हो कि सर ये मल्टी लाइन फॉर्मेट में और डिक्शनरी फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है, दोनों तो सेम ही है। तो अब मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंस है। देखिए डिक्शनरी फॉर्मेट में SRC इक्वल टू के बाद आपने जब ठीक है, यहां पर देखिए क्या हो रहा था कि जब आप यहां पर क्या लिखते थे, SRC आपने लिखा तो SRC को आप स्पेस दे रहे थे, यहां पर देखिए कोई स्पेस नहीं आएगा। डेक्लिनेशन के बाद आपने स्पेस दिया, यहां पर कोई स्पेस नहीं आ रहा। गवर्नर के बाद स्पेस, यहां पे कोई स्पेस नहीं आ रहा। तो ये डिफरेंस है, अदरवाइज डिक्शनरी फॉर्मेट और आपका मल्टी लाइन फॉर्मेट एक प्रकार से सेम ही है। तो ये था दोस्तों आपका मल्टी लाइन फॉर्मेट। तो ये तीन फॉर्मेट की तरह से आप लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो चूज करिए। उससे पहले हम इसको चला के देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलने वाला है यहाँ पर। Ansible Playbook Multiline Format .yaml। अब देखिए ये रन हो रहा है।
टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री एंड टास्क फोर, ठीक है, कंप्लीट हो गया, कोई एरर नहीं आया। और आप जाके देखिए तो ये चीजें आपका वर्क किया कि नहीं। तो डैम के अंदर हमने गए और देखते हैं भाई एजोर नाम का डायरेक्टरी बना कि नहीं बना, तो डेफिनेटली बन गया। और एनएफएस की सर्विस स्टार्ट हुई कि नहीं हुई वो भी आप देख सकते हैं, NFS-server, तो देख सकते हैं स्टार्टेड। तो ये था दोस्तों आपका, आपके सामने एग्जांपल, तीनों के तीनों फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया। देख सकते हो ये हमारा मल्टी लाइन डिक्शनरी फॉर्मेट, ये हमारा सिंगल लाइन फॉर्मेट, ये हमारा मल्टी लाइन फॉर्मेट। आपको जैसा अच्छा लगा उस पे प्लेबुक लिखिए। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे वो जैसन लैंग्वेज में करके देखेंगे, राइट। फिर उसके बाद प्लेबुक में और जेनरिक जाएंगे और एडवांस की तरफ चलेंगे। ये मेरा जस्ट काइंड ऑफ एक बेसिक लेवल का वीडियो था जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाए प्लेबुक है क्या। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, एक प्लेन टेक्स्ट टाइप का लैंग्वेज ही है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।